अबे भाई मुझे बर्गर बहुत टेस्टी लग रहे हैं। हाँ मुझे भी ये बर्गर ना बहुत अच्छा लग रहा है। हमें भी ये मोमोज बहुत अच्छे लग रहे हैं। हाँ। अबे तो इंतजार की चीज का कर रहे हो, खाओ ना। हाँ हाँ चल खाते हैं। अबे यार अब कौन आ गया? अबे यार जब भी खाना होता है ना कोई मुसीबत टपक ही जाती है, तेरे को पता है। सही कह रहे तू यार, टिकरो जाना देख कर आ। हाँ मैं देख के आता हूँ, रुको। पता ही है यार। क्या लगता है तेरे को कौन आया होगा? अरे कोई भी आया, लेकिन हम खा रहे होते तभी क्यों आता है कोई? पता नहीं, हमेशा ही ऐसा होता है। अरे नानी आप फिर से आ गए। अरे बेटा तुम लोगों के बगैर मेरा मन कहाँ लगता है। अरे नानी ये तो आपने बहुत अच्छा काम करा। नमस्ते नानी। जीते रहो जीते। पर नानी आप तो गांव में थे ना, इमरजेंसी आ गई थी, फिर यहाँ पे कैसे आ गए आप? इमरजेंसी ये थी कि फसल की कटाई होनी थी और अचानक लेबर मिल गई और वैसाखी के पहले पहले फसल काटनी थी, तो वो इमरजेंसी थी, काम हुआ और मैं आ गई। अरे नानी ये तो बहुत अच्छा हो गया। अरे वाह नानी आप आ गए। अच्छा बताओ मेरी बेटी कहाँ है? अरे नानी आपको तो पता है मम्मी स्कूल जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए, बस वो स्कूल गई है, अभी 2-3 बजे तक आ जाएगी। हैं? आज भी पढ़ाने गई है? तो मेरी बिना चीनी वाली चाय कौन बनाएगा? अरे नानी आप टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूँ ना, मैं बना दूंगा आपकी चाय। ओ मेरा डिकरो बनाएगा मेरे लिए चाय, तो फिर तो मजे है मेरे। अरे राहुल तेजस्वी चित्ती देखो कौन आया है। अरे नानी नमस्ते। नमस्ते नानी। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, क्या चल रहा है? चिनी दाद नानी फन कर रहे हैं फन। अरे चिद्दी सुबह क्या खा रहा है? बर्गर। हाँ नानी बर्गर खा रहा हूँ। अरे राहुल तू भी इस तरह से मोमो खा रहा है? अरे नानी ये बहुत टेस्टी होता है। चुप रहो। और तू तेजस्वी? हे मेरे राम ये भी उनसे कम नहीं है, ये भी बर्गर ही खा रही है। अच्छा मैं नहीं खाता। झूठ मत बोल। नानी ये भी खा रहा था। मुझे ये बताओ आज तेरी माँ ने कुछ नहीं खाना बनाया? अरे नानी क्या बताऊँ, मम्मी ने खाना बनाया था पर वो ना स्कूल की जल्दी में जल्दी चली गई, बस खाना बना ही नहीं। मुझे लगता है तेरी माँ बहुत आलसी होगी, कमजोर होगी है। एक हम थे अपने टाइम में दुनिया भर का सुबह उठ के काम करके जाते थे स्कूल पढ़ाने के लिए, और एक आजकल के बच्चे देखो, बच्चों के लिए ढंग से खाना भी नहीं बना के जा सकती, उसको सीधा करना पड़ेगा मुझे। नानी जी वो आंटी जी ना सड़ा हुआ करेला बना के गई है, इसलिए नहीं खा रहे हम लोग, इसलिए बाहर से ऑर्डर कर दिया हमने। ठीक है करेला सड़ा हुआ है कड़वा है जो भी है, पर ये गंदबला खाने की जगह तुम लोग फ्रूट नहीं खा सकते हो? अरे नानी मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता फ्रूट्स खाने का, कभी कभार खा लेते हो जब कोई काट के दे दे तो। अरे नानी वो फ्रूट तो बहुत महंगे होते हैं और छीलने में भी बहुत आलस आता है। हाँ नानी उससे अच्छा तो हमारा यही खाना है, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, टाइम पे भी आ जाता है और हमारा पेट भी भर जाता है। तुम लोगों को किसने स्कूल में पढ़ाया नहीं क्या कि इस फ्रूट खाने से कितना फायदा होता है? वो एक कहावत भी है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो उसी तरह से हर एक फ्रूट खाने से हमको कुछ ना कुछ शरीर में फायदा होता है। हाँ पर नानी वही है ना, छीलने में आलस आता है और सबसे ज्यादा तो उसमें आता है कौन सा फल होता है वो सीताफल। हाँ सीताफल सीताफल बे सीताफल, फल लगता है उसमें लेकिन वो फल नहीं वो सब्जी है। अरे नानी सीताफल नहीं। हाँ। अरे वो भरबूजा, भरबूजा क्या कहते हैं उसको? अरे बैंगन। हे मेरे राम इस राहुल का मैं क्या करूं, मुझे अपनी टीचर का नाम बताना जरा, उसको पूछूंगी मैं कि उसने तुझे सब्जियों और फलों में अंतर नहीं सिखाया। अरे नानी कौन सा होता है वो भरबूजा, भरबूजा यार। अरे खरबूजा। हाँ खरबूजा यही तो मैं कह रहा था। आजकल तो मार्केट में बच्चों बहुत सारे फल आए हुए हैं, सस्ते भी हैं महंगे भी हैं, और जो मन चाहे खाओ, खरबूजा है तरबूज है नारियल पानी वाला है, फिर आम है अंगूर है अनार है अनानास है, और भी कितने फ्रूट हैं। पर इतने सारे फ्रूट्स काम करेंगे क्या? खाएंगे और क्या करेंगे। अरे नानी बताया तो राहुल ने अभी, फ्रूट छीलने में आलस आता है, आलस हमारे बस के नहीं खाना। अरे नानी हमारे लिए यही चीजें अच्छी हैं, फास्ट फूड मजा आएगा। आइडिया। आइडिया कैसा आइडिया? एक बढ़िया आइडिया सूझा मुझे तुम लोगों को फ्रूट खिलाने का, बढ़िया नायाब तरीका, मैं बताती हूँ तुम लोगों को।
अरे नानी बताओ ना, कौन सा आइडिया है आपके पास? हाँ जल्दी बताओ, कौन सी आइडिया की सिम है? ये सिम नहीं है, आइडिया है। तो चुप हो जाना गधा कहीं का। नानी बताओ आप। हाँ तो बच्चों, मैं तुमको बताती हूँ फ्रूट खाने का नया और इंटरेस्टिंग तरीका। नया तरीका? खाएंगे तुम उसे ही ना। पागल है नानी, चम्मच से खुद खिलाएंगी। अरे नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है। मैं रखने वाली हूँ तुम लोगों के लिए एक चैलेंज, और वो चैलेंज पता किस चीज का? फ्रूट्स का। फ्रूट चैलेंज? और इसमें ट्विस्ट ये है। अरे बताना नानी क्या है वो? हाँ, कि मैं तुम चारों की दो टीमें बनाऊंगी, तेजस्वी और डिक्रो की और राहुल और चिदी की। और पता है इस चैलेंज की सबसे बड़ी खासियत क्या है? कि तुम लोगों को फ्रूट काटने नहीं पड़ेंगे, कटे कटाए छिले छिलाए मिलेंगे। मजा आएगा देख, इतना मस्त है। और सबसे बड़ी बात, जो टीम इस चैलेंज को जीतेगी उसको मेरा स्पेशल इनाम मिलेगा, सरप्राइज गिफ्ट। कैसे सरप्राइज? हाँ नानी सरप्राइज बताओ ना क्या है। सरप्राइज तो सरप्राइज होता है, पूछते क्यों? हाँ कैसे रह जाएगा सरप्राइज? हाँ कैसे रह जाएगा? हाँ कैसे रह जाएगा भाई? तू बता। मेरे को क्या पता? तो क्यों पूछ रही है नानी से? पूछ क्यों रही है नानी से तू? चुप करो, हट। नानी आप बता। अरे तुम चारों पूछ रहे थे, अकेली थोड़ी पूछ रही थी। हम चारों ने बोला था, फिर ठीक है। और डिग्रो उठ, चल बाजार मेरे साथ फ्रूट लेके आते हैं। अरे नानी बाहर देखो 48 टेम्परेचर हो रहा है, मैंने जा रहा भी ना, मैंने इसको ले जाओ, इन दोनों को ले जाओ, तीनों को। ओ नहीं नहीं नहीं, तू चल रहा है कि मैं जाऊँ अपने गांव? नानी मैं कह रहा हूँ मैं ही तो चलूंगा। हाँ। चलो चल। हाँ नानी इसको ले जाओ, हमें तो गाड़ी चलानी वैसे नहीं आती। जा चल, निकल निकल। अरे तो नानी गाँव जाने धमकी देती है बार बार। मैं चल निकल बे, जाना फ्रूट नहीं खाने। ये भी ले जा, खा लियो। बच गए, मस्त हो गया ये तो। खिला 48 डिग्री टेम्परेचर में धूप में जाना पड़ता। अभी स्टार्ट हो जाएगा, कल ही स्टार्टर काम कराया है इसका। अरे तुम्हारे सारे खानदान ने एक से एक गंदे से गंदा व्हीकल लेकर रखा, कोई तो ढंग का व्हीकल रखो। अपने पापा को बोलो कुछ नहीं तो एक नया स्कूटर ले लें। अरे नानी चिंता ही कर रहे हो आप, अभी मेरे बर्थडे आने वाला है ना, नई गाड़ी लूंगा देखना। चलो अब होगा चालू। बस कर बाबू, थक जाएगा, ऐसे टांग की हड्डी टूट जाएगी। सुकड़ा सड़ा तो है दुबला सला सा। ये पता नहीं कौन से सन का खरीदा हुआ है। 1986 का नहीं है, उसके पहले का है, तब तू पैदा भी नहीं हुआ था। देख नानी एक काम करते हैं, ये स्कूटर तो स्टार्ट हो नहीं रहा, तो हम ऊपर चलते हैं, आराम से बैठ के रोबसा पीते हैं, क्योंकि फ्रूट का प्लान तो हो चुका है कैंसल। अच्छा कैंसल हो चुका, ठीक है तू कर कैंसल, मैं चली गाँव। नहीं अब तो मैं जाऊंगी गाँव, नहीं अब तो मैंने गाँव जाना, मैंने जाना है गाँव, मैंने जाना है गाँव। नानी रुको रुको, एक काम करते हैं, ये खड़ी मेरी डिक्रो, मैं ऊपर से चाबी लेके आता हूँ, डिक्रो में चलते हैं। चल ठीक है, ठीक है आप ये रहना, गाँव तो नहीं जाओगे ना? नहीं जाऊंगी। ठीक है भैया, जल्दी से। का हर बार का यही तमाशा है, जब देखो इसकी कोई ना कोई गाड़ी खराब हो जाती है। अभी देखना इसकी डिक्रो भी चालू नहीं है। चाबी ले आया, आप बैठो 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 बैठो।
अरे नानी दिखाओ ना क्या फ्रूट लेके आया, अब दिखाई नहीं रहे। कैसे दिखाऊं? अरे अरे ये दिखा दो। अरे नहीं दिखाऊंगी। अरे नानी मैं आपका नाती हूँ, मेरे को जिता दो कम से कम। अरे चैलेंज का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। बड़ा नाती है तो क्या हो गया, तुमको अलग थोड़ी है, चैलेंज में है ना। हाँ हाँ तो फिर मजा कैसे आएगा चैलेंज का, अगर सब कुछ तेरे को बता दिया तो। ठीक है नानी चलो। पता तो मैं लगा के रहूंगा, देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों सब फ्रूट चैलेंज के लिए तैयार? अरे दो नानी फ्रूट्स, दो ना मैं फ्रूट्स खाने हैं। हाँ नानी जल्दी दो ना फ्रूट्स, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ना 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 ऐसे नहीं, फ्रूट चैलेंज में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट? अरे नानी इसमें ट्विस्ट क्या है? अरे वो चैलेंज ही क्या जिसमें ट्विस्ट ना हो। अरे यार क्या ट्विस्ट क्या चैलेंज, अरे कहना क्या चाहती हो नानी? तो बताओ फिर नानी क्या ट्विस्ट है? अच्छा ट्विस्ट ये है कि हर फ्रूट के पीछे एक पहेली मैं बताऊंगी। पहेली? पहेली तो कुछ समझ नहीं आती मेरे को। राहुल तेरे को आई? हाँ नहीं ना। जीती तेरे को? नहीं यार मेरे को कोई समझ नहीं। तेईस भी तेरे को? नहीं। अरे यार, अरे नानी यार थोड़ा क्लियर करके बताओ ना। अच्छा मैं तुमको ना एक एग्जाम्पल दे के, उदाहरण दे के बताती हूँ। जैसे एक पहेली है, हरी थी मन भरी थी मैं 9 लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के खेत में दुशाला और एक खड़ी थी। मेरे को दुल्हन लग रही, दुल्हन। हाँ मेरे को भी कोई लड़की लग रही है। मुझे तो लग रहा कोई महारानी है। अजी नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल भुट्टा ही है। हाँ सही पहचाना, पहली बार जिद्दी ने अकलमंदी की बात की है। अबे जिद्दी तेरे को कैसे पता? अरे अभी अभी व्हाट्सएप का स्टेटस देख के आया हूँ। हाँ व्हाट्सएप पर ही पढ़ सकते हैं, तू तेरे अंदर इतना दिमाग नहीं है। चलो व्हाट्सएप पे दिमाग तो लगाया ना। अरे नानी हम समझ गए, आप स्टार्ट करो चैलेंज। हाँ चलो चलो नानी, बहुत इंतजार हो गया। हाँ करो जल्दी करो फ्रूट खाने। हाँ तो बच्चों तैयार हो जाओ, रेडी स्टेडी गो। पहली पहेली है, बाहर से मैं हरा हूँ अंदर से हूँ लाल, बीच में मेरे बैठा काला शैतान। लो सुन लो, शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च सब्जी होती है प्यारे लाल? अरे खीरा होगा। पागल खीरा नहीं है। नहीं खीरा में काला शैतान कहाँ है? अरे खरबूजा होगा। नहीं। अरे तरबूज होगा। राहुल पहली बार सही दिमाग लगाया, तरबूज इसका उत्तर है। अरे तुक्का लगाया था। अबे राहुल तेरे को कैसे पता? मैं शैतान हूँ ना। शैतान? शैतान राहुल शैतान। ओ इनाम भी चाहिए, तो मैं भूल ही गई थी। ए लो लाल लाल काला शैतान वाला शैतान राहुल का इनाम, ताजा ताजा तरबूज। वही नहीं दे देना। चल ले ले। अरे राहुल भाई थोड़ा तरबूज खिला दे यार। राहुल थोड़ा सा दे दे यार। चिद्दी अबे घर बचानी भिखारी आ गई। जे 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 प्लीज यार प्लीज भाई थोड़ा सा खिला दे प्लीज यार। अबे चल नीचे तेरा तरबूज। एक तो मैं इसको तरबूज दे रहा ऊपर से मना कर रहा है। मुटेश खा रहा ज्यादा। हाँ अगली बारी हम जीतेंगे ना, हम भी नहीं खिलाएंगे तुम दोनों का। हाँ। अरे नानी अगला बताओ अगला क्या। अच्छा नानी अगली पहेली बोलो। चलो अब अगली पहेली है, मैं गोल गोल मैं नागपुर का राजा, रंग मेरा भगवा, बताओ मेरा क्या नाम। अबे भाई ये भगवा कलर कौन सा होता है? नीला होता होगा। आगे लगे पीला होता होगा। मिक्स है। ये भगवा कलर क्या होता है? नानी भगवा कलर क्या होता है? भगवा कलर भगवा अंग्रेजी में बताना है क्या? हाँ नानी इंग्लिश में बता दो। क्या तुम लोग अंग्रेजों की औलाद पैदा हो गई हो, अपनी राष्ट्रभाषा समझ में नहीं आती? कोई नहीं ना नानी बता दो ना। हाँ नानी बताओ ना प्लीज। अंग्रेजी में उसको बोलते हैं ऑरेंज। नानी ऑरेंज? हाँ नानी सही कह रही है ऑरेंज। अरे नानी ने खुद ही बोल दिया। गड़बड़ हो गया यार ये तो चीटिंग है। देखियो नानी इनके साथ है, इनको ऑरेंज ऑरेंज कर रही है। अबे ओ चीटिंग क्या है इसमें, नानी ने खुद ने बोला है। नानी ने तो कलर बताया था, मैंने तो फ्रूट बताया है। हाँ ये लो तुम्हारा गिफ्ट, नागपुर के संतरे स्पेशल। संतरा देना।
अबे चल भाई दे देना मेरे को तुम। अबे चल तेरे को दूंगा ऑरेंज, तरबूज दिया था तूने मेरे को। भाई एक दे दे बस। दोनों के दोनों हटो। ये अगले फल की पहेली जो है। हाँ हाँ बताओ बताओ अगली पहेली। वो है कि उस फल को खाने से आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बात खुद डॉक्टर भी बोलते हैं। न्यूटन का सिद्धांत उसी से बना और उसी से आज के जमाने के तुम लोगों के पसंद के महंगे महंगे फोन भी बिकते हैं। पहचानो मैं कौन हूँ? अरे वो लाल लाल सा होता क्या? अरे यार मेरी जुबान पे यार कहाँ निकल निकल। अरे बिमल है क्या? जुबान कैसे जुबान पे आ गया? हाँ लाल है बिमल जैसा ही। थूक जल्दी यार। फल फल हाँ वो लाल सा है वो गोल सा। एप्पल होगा एप्पल। नानी कह रही है फोन भी है उसका आईफोन एप्पल। अरे हाँ वो नानी ने तो कहा था एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। नानी क्या वो फ्रूट एप्पल है? हाँ सही बजाना। हाँ नानी आपने तो बोला था एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। करेक्ट सही पहचान लिया। बहुत समझदार है मेरे बेटा। ये लो तुम्हारा एप्पल सेब। देख रहा अबे चल दूंगा तेरे को एप्पल। अगली गेम में देखते हैं मैं क्या घंटा जीतेंगे। नानी अगला बोलो। मैं हूँ सीजन का राजा, कभी खट्टा कभी मीठा, कभी चटनी कभी अचार बनाए और मुझे चाव से खाएं। राजा? फलों का राजा कौन होता है यार? सोचना पड़ेगा यार। नानी बैंगल है बैंगल। अरे फिर बैंगन के पीछे पड़े हुए? एक बार कहने से समझ में नहीं आता कि बैंगन फल नहीं सब्जी है। अरे बैंगन सब्जी है नानी बोल तो रही है। कितनी बार बोलेगी नानी? अरे नानी खुद ही बैंगन है। देखो इसके बाल देखो बैंगन से मावा इसके। अरे ना पिछली गली का चीकू है। अरे बगल वाला चीकू नहीं है। चुपका ना चीकू भी नहीं है। आम होगा मेरे ख्याल से तो। सही पहचाना मेरी जान। सही में इसका उत्तर है आम। अरे हाँ यार आम ही तो होता है फलों का राजा। हाँ और वो गर्मियों में ही मिलता है। हाँ अरे यार ये जीत गए। कोई नहीं अगला पॉइंट भी तो है। दो दो पॉइंट हुए हैं। लास्ट चांस आया है हमारा। लास्ट वाला जीतना पड़ेगा हमको। अरे सही बोल दिया मैंने। सही बोला सही बोला। वो छोड़ दा ये फल हमारे पास आएगा आप इनको दिखा दिखा के खाएंगे। ला ला ला। नानी लाओ आम दो। दिया जा जल्दी से अपना इनाम ले जा। ले ले भाई मेरा मेरा ना। राहुल भाई थोड़ा सा आम खिला दे। अबे हट मेरे से मांग मेरे से। चिद्दी भाग जा ऐसे मारूंगा आम फेंक। इनका खाएगा। ओए पागल है क्या? छिलका क्यों दे रहा है? वो भी बहुत महंगा है। नानी आप अगली पहेली बताओ लास्ट वाली जो है। तो पहेली इस तरह से है। मैं करता हूँ मोटा ताजा, जिम वाले करते मुझे इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा, मुझे आज खाओ या कल, बताओ मैं हूँ कौन सा फल? अंडे हैं। अरे अंडे नॉन वेज होते हैं। अरे नहीं नानी आलू होगा। आलू भी हो सकता है नानी। अरे हीरोइन बेवकूफी वाली बात, आलू तो सब्जी है नलायक। अरे हाँ नानी राहुल सही तो कह रहा है आलू हो सकता है। आलू से हमारे वेट पे तो गेन होता है और जिम वाले लोग भी खाते हैं। तो सब्जी है ना फल थोड़ी है। मैंने फल पूछा है। नानी प्रोटीन शेक होगा। अरे ओ केले सी शकल की एक राफ्टा मारूंगा ना तेरा प्रोटीन शेक निकल जाएगा। हाँ मैं भी मारूंगा एक। अबे तू चुप कर ना तूने अपनी शक्ल देखी टट्टी से। अरे ओ तेरे को ना पूरा छील दूंगा केले की तरह ठीक है। ज्यादा मत बोलिए। अबे ओ खुद को देखा तूने? कल पड़ा होता जमीन पे केले के छिलके पे गिर गया था। हाँ तो मेरा केला था मैं कैसे भी गिरू। नानी केला होगा। सही पहचान लिया लड़की ने। वेरी गुड तुम लोग लड़ते रह गए। देखा दो बंदरों की लड़ाई में बिल्ली जीत गई। तो ले जाओ अपना इनाम। इस बिल्ली को तो दूध पिला के मारूंगा। यार नानी ये तो चीटिंग है। हम बोल रहे थे केला 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 है ना भाई। आपने इसकी बात पे विश्वास कर लिया? अबे अबे चल नहीं देंगे छुपा देते। तो आज का फ्रूट चैलेंज का रिजल्ट है
जीतने वाली टीम का नाम है डिक्रो और तेजस्वी। अरे नानी हमारा इनाम तो बताओ क्या है, आपका सरप्राइज। हाँ नानी जल्दी बताओ। मेरा सरप्राइज गिफ्ट है कि जो टीम जीती है वो मेरे साथ गांव का ट्रिप एंजॉय करेगी। अरे गांव जाएंगे, मजा आएगा यार। यस। और वहां पर जाकर उस टीम को मैं अपने हाथों से बनाए हुए ड्राई फ्रूट देसी घी के बढ़िया हेल्दी लड्डू खिलाऊंगी, प्यार की मिठास से भरेंगे। मुझे तो हुआ है नानी, हम जाएंगे। हाँ नानी हमें भी ले चलो। ऐसे कैसे हो सकता है, शुरू में मैंने एकदम क्लियर बोल दिया था कि जो टीम जीतेगी, आज का चैलेंज जीतेगी, जीत का राजा बनेगी, उसको ही मेरा स्पेशल गिफ्ट मिलेगा। और मेरा स्पेशल गिफ्ट है गांव की ट्रिप और वहां पर मेरे हाथ के बनाए हुए बढ़िया स्वास्थ्यवर्धक लड्डू। नानी गलत कर रही है आप हमारे साथ। नानी आप भूल गए क्या, आपने आपको किडनैपर से बचाया था, आप हमको नहीं ले जाओगे। अब बोलना कुछ। हाँ बोला ना किडनैपर। अच्छा बाबा रोना बंद करो, तुम्हारी बात मैंने मान ली। अगले हफ्ते हम लोग पांचों लोग मिलके गांव की ट्रिप पे जाएंगे और गांव में खुली हवा का आनंद उठाएंगे। अरे ढिकरो मैं थक गई बेटा चैलेंज करवा के, अब मुझे गर्मा गर्म बिना छीने की चाय बना के दे दे जल्दी से। हाँ नानी अभी बनाता हूँ मैं। हाँ बेटा जा। मेरी भी एक। मेरी भी एक। मेरे लिए भी एक। एक काम करो तीनों चलो मेरे साथ किचन में भी हेल्प कराओ। हम क्यों बनाए, तू बना। ठीक है गाँव नहीं ले जाऊंगा। अच्छा ठीक है चल जी। मत ले जा नानी ले जाएगी। गाड़ी पे मेरी आएगी ठीक है, मतलब चलो बता जा। तब पैदल आ जाएंगे। मैं ले जाऊंगा नहीं पैदल। अच्छा आ रहे आ रहे आ रहे। हे गाइस तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ गाइस कमेंट करके मेरे को बताओ आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है। भाई मेरा तो है वाटरमेलन मतलब तरबूज, आपका कौन सा है कमेंट करो और मेरे को बताओ। और जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।